मैं नीलम सिंह स्वाद खजाना में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाऊंगी प्याज का पकौड़ा, तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दो बड़े साइज में प्याज लेंगे और उसे पतला पतला इस तरह से काट लेंगे, और चने का दाल लेंगे जिसे दो घंटा पानी में उसे फुलाएंगे और फिर उसे ग्राइंडर में दरदरा पीस लेंगे। और ये चावल का आटा एक बड़ा चम्मच, हल्दी एक बड़ा चम्मच, जीरा और मरीच हाफ चम्मच, स्वाद अनुसार नमक और एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और एक कप बेसन और एक छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और सरसों तेल लेंगे। अब हम प्याज में बेसन को मिक्स करेंगे और चने का दाल पिसा हुआ, चावल का आटा, हल्दी, जीरा और मरीच, स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्ची पाउडर। अब हम इसे मिलाएंगे। हम आठ हरी मिर्च लेंगे और उसे छोटा छोटा टुकड़ा में काट लेंगे। मैं इसे बताना भूल गई थी, और इसे भी इसमें डाल के मिक्स कर देंगे। हम कढ़ाई लेंगे और उसे चूल्हे पे चढ़ा देंगे और गैस को ऑन कर देंगे। हम गैस ऑन कर दिए हैं और कढ़ाई भी हमारा गर्म हो चुका है। हम इसमें तेल को डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें इस तरह का आकार करके, इस तरह से साइज बना के हम तेल में डालेंगे छोटा छोटा पीस बना के, और तेल में डालेंगे। छोटा छोटा बड़ी के जैसा बना के तेल में हम डाल दिए हैं। देखिए, इसे दो मिनट तक पलटेंगे नहीं, इसे होने देंगे, नहीं तो ये टूट जाएगा। और गैस को मीडियम ही रखेंगे। देखिए, अब हम इसे पलटना शुरू किए हैं। एक एक करके सबको पलट देना होगा। इसे हम हमेशा चलाते रहेंगे, देखना होगा कि ये जले नहीं। देखिए, ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। और जो बचे हुए हमारे पकौड़े हैं उसे भी हम तल लेंगे। इसे हम पलटेंगे इस तरह से। इसे हम टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। इसे हम टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे, जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो चला जाएगा। अब इसे हम सर्व करेंगे। हमारा प्याज का पकौड़ा बनके तैयार है। ये बहुत ही क्रिस्पी हुआ है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप इसे चाय के साथ ले, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। आपको यदि मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।